दोस्तों कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे सामने कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, और वो समय ऐसा होता है जब हम अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती, और सामने वाले इंसान को हम तसल्ली भी नहीं दे सकते क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जाने अनजाने में ऐसी नादानियां कर बैठते हैं जिसे देखकर हर किसी को हंसी आ जाए और वो लोग खुद अपनी बेवकूफ हरकतों का शिकार बनते हैं। तो चलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेवकूफ लोगों से मिलवाते हैं जो खुद अपनी अनएक्सपेक्टेड चीजों के कारण किसी भी जगह मजाक बनकर रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो। शुरुआत करते हैं इन लोगों से। आपने जैसा कि हमारे इस वीडियो में देख लिया होगा कि इन्होंने अपनी हरकत की वजह से खुद का ही मजाक बनवा लिया, और इन्हें लगता है कि इन्हें साल यानी 2021 का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। इन बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता कि इनका वजन इतना ज्यादा है कि अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो इनके साथ यही होगा जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख पा रहे हैं। इन जनाब का तो पता नहीं कि इन्हें कौन सा मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इनसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। देखिए, एक बर्फ की चट्टान पर चढ़कर और खुद उस पर पत्थर मार रहे हैं, यानी कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। भला इन्हें कौन समझाए। लगता है इस गार्ड के दिन खराब है। एक तो बेचारा भूखा, ऊपर से जब ये अपना खाना खाने बैठता है तो ये लंगूर उसका ये केला छीनकर खा जाता है, और ये जब देखता है कि उसके पास वो लंगूर उसका खाना छीने आ रहा है तो वो जल्दी जल्दी अपने केले को खाने लगता है, लेकिन फिर भी लंगूर उसके आधे केले को छीनकर भाग जाता है। इन लोगों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा है, और यहाँ पर स्विमिंग ड्राइव कंपटीशन चल रही थी। हालांकि इस कंपटीशन में विनर कौन है इसका तो पता नहीं, लेकिन इन जनाब को मेडल मिलना चाहिए जो कूदने से पहले स्विमिंग पूल में ड्राइव मार जाते हैं, और वो भी कुछ इस अंदाज में। इन मोहतरमा को देखिए जो बेहद स्टाइल के साथ पानी की बोतल से पानी पी रही थी, लेकिन बेचारे कुत्ते को भी प्यास लगी है, और इन मोहतरमा को क्या फर्क पड़ने वाला था। ऐसे में जब वो कुत्ते की बात समझ नहीं पाती तो कुत्ता खुद ही पानी की बोतल छीन कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हमें लगता है इस मोहतरमा के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं उससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इन मोहतरमा ने जो हरकतें की है उससे इन्हें 2021 का फेलियर मेडल जरूर मिलने वाला है। देखिए, अब भी अपने नाक से पानी के बुलबुले छोड़ रही है। कभी कभी कुछ लोग वीडियो बनाने के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि इनकी सनक उनके घर के सामान पर जा निकलती है, और इन जनाब की सनक से आप समझ गए होंगे कि इनके पास दिमाग की थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा कमी है। देखिए किस तरह से इन्होंने फ्रिज को खोला, और इनके इस माइकल जैक्सन वाले एक्शन से इनका पूरा सामान तहस नहस हो गया। अब कौन समझाए ऐसे लोगों को। आप इनके बारे में क्या ही कहें, आपको पता चल ही गया होगा कि इन्हें किस जगह चोट आई है। भले ही चोट इनके किसी भी जगह आई हो लेकिन इन्हें अकल ठिकाने लग गई होगी। ऐसे वीडियो को देखकर आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम आपको बता दें इस कार में अचानक से धमाका होता है, लेकिन एक जनाब इस कार से सही सलामत निकलते हैं, और बगल वाली कार से एक मोहतरमा निकलती है और वो इनका हालचाल लेती है, और आपस में ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। न जाने इन लोगों ने इस कार में बैठे इंसान के साथ क्या किया होगा जिस वजह से वो अपनी भी जान दांव पर लगा देते हैं। ये लोग कभी कभी किसी और को फंसाने के चक्कर में ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं। वैसे आपने बर्फ का घर तो देखा होगा, लेकिन हमारी वीडियो में जो नजारा आप देख रहे हैं वो है बर्फ से बनी कार। अरे ये कोई बर्फ की कार नहीं बल्कि इसके ऊपर बर्फ की परतें छा गई हैं। हमें लगता है इन मोहतरमा में कुछ ज्यादा ही नासमझी है। देखिए किस तरह से इन्होंने इस झूले के साथ एक साथ लैंडिंग की, और एक के ऊपर एक जागीरी है, जिसके बाद इन्हें जो चोटें आई है वो यही जानती है।
और दूसरी महिला तो सदमे में आकर हंसे जा रही है। न जाने दूसरी वाली मोहतरमा कैसा फील कर रही होगी। अरे डरिए मत, जो आपने देखा वो बिल्कुल सच है। अब सोचने वाली बात यह है कि गलती किसकी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, गलती कार का दरवाजा खोल रहे व्यक्ति की थी या फिर कार से स्पीड में जा रहे जनाब की, जिन्होंने इनके कार का दरवाजा ही तोड़ दिया। जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए क्या किसकी गलती हो सकती है। अब इन्हें कौन समझाए कि इतने ज्यादा पानी में ये अपने इस बाइसाइकिल को लेकर घूमेंगे तो इन्हें मुंह की तो खानी पड़ेगी, और इन्होंने वो खाई भी। यस, यस, यस। कितने ज्यादा बेवकूफ लोग हैं इस दुनिया में, इन्हें कौन समझाए। वैसे अक्सर आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि आपके घर में जब कोई बच्चा होगा तो वो अगर कई ऐसी गलतियां कर जाता है जो बड़ों के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती हैं, और इन जनाब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस छोटे से बच्चे ने उनके साथ कुछ ऐसा किया जो हमारी वीडियो में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसका अंदाजा ये जनाब लगा रहे होंगे कि इन्होंने इस बच्चे के हाथ में ये नाजायज खिलौना देकर कितनी बड़ी गलती की है, जो आपने वीडियो में देखा ना उसे कहते हैं गलत समय पर गलत डिसीजन लेना। यानी कि इनकी तो कोई गलती नहीं है। जिस तरह से मोहतरमा गिरी है उससे तो यही लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। भगवान बचाए ऐसे पापों से। तो देखा आपने इन दद्दू के साथ कितना गंदा मजाक किया गया है। बेचारे न जाने क्या सोच रहे होंगे और इनके साथ हुआ क्या था। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को समझे बिना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आज के समय में लोगों के अंदर वीडियो बनाने का जो कीड़ा है वो कहीं भी नहीं जाता, कभी भी नहीं जाता। मतलब ये चाहे वो समंदर में नहा रहे हो या फिर पोटी घरने जा रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ वीडियो बनाना है, सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है, लाइक कमेंट चाहिए होता है ना। इनके साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इस समय सिर्फ यही दुआ कर रहे होंगे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, भगवान बचाए इन्हें। आजकल लोगों को न जाने क्या हो गया है, जहाँ हेलमेट लगाना वहाँ तो लगाते नहीं, और जहाँ नहीं लगाना वहाँ लगा लेते हैं। उस समय उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि उनके साथ ये होता है। जैसे कि आप हमारी वीडियो में देख पा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए कुछ लोग अपने आप को जीनियस समझते हैं और इनका ये पागलपन कहीं भी निकल जाता है। जैसे कि इन जनाब को देखिए, ये कितना ज्यादा जीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनका निशाना कहीं गलत जगह पर लगता है। पहले के समय में हमें आदमियों को नशे की हालत में ठूकर खाते रात में गिरते पड़ते देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब महिलाएं भी रात के समय में नशे की हालत में इस तरह ठूकर खाती हुई नजर आती हैं। अब इन महिलाओं को कौन समझाए इनका काम नशे में गिरना नहीं बल्कि कुछ बेहतर करने का है। उनकी वजह से न जाने कितनी महिलाएं बदनाम हो जाती हैं। अब आप इन जनाब को देखिए, इन्होंने कोई नशा नहीं किया है लेकिन इन्होंने जो हरकत की है उस हरकत की वजह से पूरे मोहल्ले वाले इनसे रोड साफ करवाएंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने इस कचरे के डिब्बे को जो हेडशॉट मारा है वो जाकर सीधा ऑडियंस के बीच पहुंची है। अब इन मोहतरमा को कौन समझाए कि ब्रूस ली अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अभी भी बहुत लोगों के अंदर उनकी आत्मा आ जाती है और उसके बाद जो होता है वो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं। ये ब्रूस ली की आत्मा है जो नॉर्मल चीजें तो कभी कर ही नहीं सकती। अब जाते जाते आप हमारी वीडियो को भी देख लीजिए, इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये सिग्नल लोगों को रोड क्रॉस करवाने के लिए बेशक हेल्प करता हो, लेकिन इन लोगों के लिए ये किसी डेंजर जोन से कम नहीं है जो हर आने वाले जाने वाले लोगों को अपने आगे झुका ही लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।